नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजरात और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज हम जनवरी 2017 का थर्ड पेपर संगीत का हम हल करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, उनको आज हम सब मिलकर के हल करेंगे। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं उनको आप काउंट करें। कुछ समय में जो आपको दूंगा उसके अंदर से उस प्रश्न का आंसर सोचें और उस अपने अपने मन में रखें, और उसके बाद जैसे ही उस आंसर आता है तो उससे कंपैरिजन करें कि आपका आंसर सही था या गलत। उसके बाद उनको काउंट करें और उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि आपको आइडिया रहे, आपको भी पता चले कि हमारा कितना सही है और हमारी कितनी अच्छी तैयारी है। निश्चित रूप से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2019 दिसंबर 2019 के पेपर में आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से सबको करना है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं आपसे बस और कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं ना आपसे कोई पैड चैनल की बात करता हूँ ना कुछ, फ्री सब कुछ आपको फ्री मुहैया करा रहा हूँ। तो बस इतना सा कष्ट करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलो पहला क्वेश्चन है, बाख का किस देश से संबंध है? दोस्तों सोच लीजिए, बाख का किस देश से संबंध है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चीन या ब्रिटेन? सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? कराची, मुंबई, लाहौर या दिल्ली? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है लाहौर में। सा और म, सॉरी, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इमदाद खां के पुत्र कौन है? वजीर खां, इनायत खां, इमरत खां या विलायत खां? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है इनायत खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सा और म, सा और म स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है? दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हमारे इस वजह से गलत हो जाते हैं कि हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं और हम आधा ही पढ़ करके उसका जवाब दे देते हैं। आंसर देने से कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार पूछ लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता, सा और मैं स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त हुई है या होती है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत मालकोश या भीमवाला ऐसी केदार लगा देंगे। लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है कि सा और म स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों कौन सा है, मालकोस, केदार, हिमपलास या हमीर? वैसे मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया, तो इसका आंसर सही होगा हमीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग मालकोस के स्वर में गंधार को षड्ज मानने पर किस राग की प्राप्ति होती है? दुर्गा, भूपाली, गुणकली या हंसध्वनि? बताइए दोस्तों। तो आपने सही आंसर इसका सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है हंसध्वनि। अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी में थाटों को की क्या संख्या थी, या राग तरंगिणी में थाटों की क्या संख्या है? 10, 18, 12 या 22? बताइए दोस्तों। समझ आता हूँ दोस्तों, पांचवी का जो सही आंसर हंसध्वनि नहीं दुर्गा होगा। राग मालकोस के स्वरों में गंधार के षड्ज मानने पर दुर्गा राग
की प्राप्ति होगी। और राग तरंगणी में थाटों की क्या संख्या है? अगला प्रश्न है, राग तरंगणी में थाटों की संख्या 10, 18, 12 या 22 कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट को पहचानिए। जो प्रथम सूची है उसके अंदर राग दिए हुए हैं और द्वितीय जो सूची है, सेकंड जो सूची है उसके अंदर थाट दिए हुए हैं। हमें इनमें से इन रागों को पहचानना है कि कौन सा थाट का या ये राग जो है कौन से थाट में होता है या कौन से थाट का है। तो पहला है आभोगी। आभोगी कौन से थाट का है? कामोद कौन से थाट का है? बिलावल बिलास खान तोड़ी कौन से थाट का है? और गुजरी तोड़ी कौन से थाट का है? तो इसको हम इसके अंदर इसका सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि आभोगी आभोगी काफ़ी थाट का है, कामोद कल्याण थाट का है, बिलास खान तोड़ी बैरवी थाट का है और गुजरी तोड़ी तोड़ी थाट का है। तो ऐसा जो सीक्वेंस बन रहा है वो कौन सा है? पहले में चौथा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पहला। तो ऐसा जो बन रहा है सीक्वेंस बन रहा है वो दूसरा वाला बन रहा है, तो इसमें दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोस्तों ध्यान से करिए और ध्यान से सुनिए इसको, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी गलतियां हो रही हैं। हर प्रश्न को ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले समय के लिए ये। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जल्द ही हर टॉपिक, जैसे भारतीय संगीत का इतिहास, इतिहास से लेकर के मैं 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स बनेंगे, 20-20 क्वेश्चन के एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो जल्द ही कल या परसों से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो आए आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अगला प्रश्न है, लघु को चतुस्र जाति में कितने मात्रा का काल माना जाता है? बताइए, 6, 12, 8 या 4? तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है 4। यति का संबंध है लय, राग, तान या अलंकार किससे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लय से। अगला प्रश्न है, राग गौड़ सारंग में अधिकतर किस राग किस प्रकार के तानों का प्रयोग होता है? गौड़ सारंग में किस प्रकार के तानों का प्रयोग होता है दोस्तों? सपाट तान, सरोक तान, किटकरी या फिर वक्र तान, कौन सी होती है दोस्तों? तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर होगा वक्रतान। अगला प्रश्न है दोस्तों, रे कोमल रे रे प म प ध प का संबंध किस राग से है? सोहनी, पूर्वी, पूर्याधनाश्री या श्री, बताइए दोस्तों। तो आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर होगा राग श्री। साजगिरी राग साजगिरी के रचयिता कौन है? गोपाल नायक, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास या शारंगदेव, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। राग मियां मल्हार, मियां की तोड़ी, दरबारी कांगड़ा किस रचयिता को इंगित करते हैं या किसने इसको लिखा है? गोपाल नायक, तानसेन, बेजू बावरा या अमीर खुसरो, किसने लिखा है बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा तानसेन ने। राजा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? 3 ताल, 1 ताल, झप ताल या 4.5 ताल, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 3 ताल, क्योंकि ये बाहरी मात्रा से स्टार्ट होती है। एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को कहते हैं, काउंटर पॉइंट हार्मनी, स्लर, टिकाऊ,
टिकाव या स्केटो क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा काउंटर पॉइंट हारमोनी, पहला वाला। अगला है दोस्तों, किस कलाकार का संबंध सुरबहार से है? ए एन राजनम, अन्नपूर्णा देवी, चरीन दारूवाला शर्मा या रेणुका साहा, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी। दोस्तों ध्यान से, और एक बार में अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको दो तीन बार आप खुद करके देखिए, पॉज कर लीजिए उस जब भी किसी क्वेश्चन पे आते हैं और आपको जल्दी लग रहा है तो उसको पॉज करके उसको सोचिए आराम से, और सोच करके हल करिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपने जो तैयारी की है वो वाकई में अभी तक अच्छी है या उसमें कुछ और सुधार करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वरित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सारंगी, तानपुरा, हारमोनियम या वायलिन। तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका सही आंसर होगा तानपुरा, क्योंकि सारंगी, हारमोनियम या वायलिन, इनमें हम किसी भी गाने की धुन निकाल सकते हैं या राग को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन तानपुरे में केवल सा या एक नाद की ध्वनि ही सुनाई देती है जिसके अंदर हम सभी स्वरों को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, सारंगी वादक कौन है? राम गोपाल, राम सहाय, राम नारायण या राधे श्याम, बताइए दोस्तों। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा राम नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? हारमोनी, स्टाफ या मेलोडी या हारमोनिक्स, बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर होगा हारमोनिक्स। कालिदास सम्मान देती है, कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार, बताइए। सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। ध्रुपद गायक है कौन है, बताइए दोस्तों। ध्रुपद गायक कौन है? गुंदेचा बंधु, मिश्र बंधु, सावरी बंधु, सिंह बंधु, बताइए। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर होगा गुंदेचा बंधु। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? ओ सी गांगुली, वी राघवन, ए एन फॉक्स स्टेनवे या ई क्लैम्प्स, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ई क्लैम्प्स। वैदिक काल में स्वरों के लिए किस संज्ञा दी जाती थी? वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी जाती थी? स्वर, यम, सम या ऋचा। तो आपको आता ही होगा, सोच लिया होगा। इसका सही आंसर होगा यम। कौन सा वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? ढोलक, नाल, खोल या पखावज, बताइए दोस्तों। आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा पखावज। दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त और भी जो संगीत में नेट जेआरएफ या केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी इसकी तैयारी कर सके। सही कूट को चुनिए। हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों का लगाव एक महत्वपूर्ण कारक है, इसमें परिवर्तन होने से राग परिवर्तित हो जाता है। यदि ये तो था अभिकथन तर्क, यदि स्वर लगाव को पुस्तक से पढ़कर के गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी राग को गुरु से सीखे बिना गाया जा सकता है।
तो इनमें से क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, दूसरा है ए तथा आर दोनों सही नहीं है, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा है ए गलत परंतु आर सही है। बताइए इसका सही आंसर होगा थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि बिना किसी गुरु के संगीत शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। पुस्तकों में पढ़ करके हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे या जब तक नहीं सुनेंगे समझेंगे, तब तक गाना या संगीत के अंदर हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। राजस्थानी लोक वाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, सुसिर, तंत्री, घन या अवनद? आपने सोच लिया होगा तो इसका सही से आंसर होगा सुषिर वाद्य। सुमेलित कीजिए एवं सही कूट को पहचानो, डोमिनेंट, मीडिएंट, सब डोमिनेंट और मॉडिफाइड डोमिनेंट, इनको सामने वाली जो सूची है उसमें से विकृत पंचम भाव समाधि, अनुवादी और मध्यम भाव समाधि, इनमें इनको ढूंढना है कि कौन किसके लिए सही है। तो डोमिनेंट किसका है, आप सामने वाली सूची में से पहचानेंगे, पहचान करके इसको हम सही बताएंगे। तो इसमें होगा डोमिनेंट पंचम भाव समाधि है। आप लोगों को पता ही होगा कि डोमिनेंट जो है पंचम भाव समाधि है, मीडिएंट जो है वो अनुवादी है, सब डोमिनेंट है जो मध्यम भाववादी है, और मोडिफाइड जो है विकृत स्वर है। तो इसमें ऐसा कौन सा वो बन रहा है विकल्प, तो इसके अंदर ये पहला ही विकल्प बन रहा है ऐसा जो इससे हो रहा है, मैच कर रहा है, तो ये इस वाला इसमें सही होगा। नाट्यशास्त्र के अनुसार क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं को किस लय में गाए जाने का निर्देश दिया है, मध्य लय, विलंबित लय, अति विलंबित लय या द्रुत लय? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा द्रुत लय। अगला प्रश्न है, जातियों के ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया जाता है, जातियों के ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है, मतंग, नान्यदेव, जगदे कमल या भरत? आप लोगों ने सही सोच लिया होगा, इसका सही आंसर होगा जगदे कमल। दोस्तों आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियो आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को इंगित कीजिए, हरिणाश्व, मार्गी, रजनी, कौन सी है? बताइए दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा दूसरा, हरिणाश्व और मार्गी दोनों मध्यम ग्राम की मूर्छना है। शारंगदेव ने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितनी मानी है, बताइए शारंगदेव ने कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने हैं, 7 शुद्ध, 12 विकृत, 7 शुद्ध, 5 विकृत, 7 शुद्ध, 11 विकृत या 7 शुद्ध, 18 विकृत? बताइए इसका सही आंसर होगा 7 शुद्ध और 11 विकृत, सॉरी 7 शुद्ध और 12 विकृत, इसका पहला आंसर सही होगा। जीव स्वर या अनुस्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जीव स्वर या अनस्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनुवादी, उद्दात स्वर, वादी स्वर या संचारी स्वर? ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही
सरल प्रश्न है या सरल आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा वादी। 9/8 अंतराल किसके समकक्ष है? 51.1 सेवर्ड, 45.8 सेवर्ड, 28.1 सेवर्ड या 61.1 सेवर्ड, बताइए दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, 51.1 सेवर्ड। नारायण मोरेश्वर खरे किसके शिष्य थे? भास्कर बुआ, राजा भैया पूंछवाले, वी एन भातखंडे या वी डी पलुस्कर, बताइए दोस्तों। नारायण मोरेश्वर खरे किसके शिष्य थे? तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा वी डी पलुस्कर जी से। और अगला प्रश्न है, भरतभाष्य के लेखक हैं कौन है? भरतभाष्य के लेखक नान्यादेव, वासुदेव, अभिनव गुप्त या कोहल, कौन है बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है नान्यादेव, पहला वाला ही इसका सही आंसर। राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख निम्न में से किन ग्रंथों में पाया किया जा गया है? संगीत मकरंद, संगीत दर्पण, राग तरंगिणी या नाट्य शास्त्र, तो इसमें पहला क्या चारों में किया जाता है, या 1-4, 1-3-4 में किया जाता है, या 2-3-4 में किया जाता है, 1-4, 1-2-3 में किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अंतिम वाला, 1-2-3 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं बना करके आप लोगों को देश को। निम्नलिखित को अहोबल की श्रुति स्वर स्थापना अनुसार सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को अहोबल के श्रुति स्वर स्थानानुसार सुमेलित कीजिए। पुरु ग, तीव्रतर रे, पुरु नी, तीव्रतर ध। तो ये कौन से 20वें, 9वें, 22वें और 7वें, कौन कौन से कहाँ कहाँ होंगे? पुरु ग चौथा भी इसका सही आंसर होगा, इनको मिलाते हैं तो पूर्व गए 7 पे, तीव्रतरे 9 पे, पूर्वनि 20 पे और तीव्रतर 22 पे। तो ये वाला सीक्वेंस कहाँ बन रहा है? तो ये वाला तीसरे में बन रहा है, तो इसका सही आंसर 37 का थर्ड होगा। पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर शुद्ध ग, पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर शुद्ध ग एवं शुद्ध नी को कहाँ स्थापित किया है? 30 और 20 पर, 32 और 27 पर, 31 और 24 पर या 32 और 22 पर, बताइए दोस्तों। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा 30 और 20 पर, इसका पहला ही आंसर सही होगा। राग देवगिरी बिलावल मिश्रण है, यमन और बिलावल का, खमाज और बिलावल का, शुद्ध कल्याण और बिलावल का या देवगिरी और बिलावल का, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध कल्याण और बिलावल का। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए एवं सही कूट को चुनिए। सारे ग म प प म प म प म प म प, या फिर ध्वनि ध प, मतलब इनको हमें इसमें मिलाना है द्वितीय दूसरे वाली सूची में। तो जो पहला वाला है वो काफी थाट का है,
पहला वाला है जो काफ़ी थाट का है, दूसरा जो वाला है वो खमास थाट का है, तीसरा जो है वो मेघ मल्हार का है, और चौथा जो है मद्मथ सारंग का है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, ये वाला सीक्वेंस बन रहा है तीसरे में। इसका सही आंसर तीसरा वाला होगा। दोस्तों लाइक तो एक बनता है, लाइक तो कर दीजिए प्लीज़। और अगला वाला जो प्रश्न है वह है कोमल रे म प स्वरावली निम्नलिखित से किस किन रागों में प्रयुक्त होती है, गुणकरी, जोगिया, बैरागी भैरव या जौनपुरी, बताइए दोस्तों किन रागों में होता है। तो आपने सोच लिया होगा, तो ये जौनपुरी को छोड़कर के सभी रागों में होता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला, एक दो और तीन वाला। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राग विभोध, अभिनव भारती या संगीत रत्नाकर, इनमें से कौन सा पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला है, चौथे वाला, कौन सा सही होगा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा तीसरे वाला। पहला होगा अभिनव भारती सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद संगीत रत्नाकर और फिर राग विभोध। अगला जो प्रश्न है वो है 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21वीं श्रुति पर स्थापित शुद्ध स्वर सप्तक किस काल को इंगित करता है, मतलब कौन से काल में 1, 4, 18, 10, 1, 5, 18, 10, 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21वीं श्रुति पर स्थापित हैं, वैदिक काल में, मध्य काल में, प्राचीन काल में या आधुनिक काल में, बताइए दोस्तों। तो ये तो आप लोगों को वैसे भी आता होगा, इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल में। कोमल रेधय एवं गैनी स्वर गैनी तीव्र स्वर लक्षण हैं कौन से हैं, छायालग राग के, परमेल परवेशक राग के, शुद्ध राग के या संधि प्रकाश राग के, बताइए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, पहचान लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा संधि प्रकाश राग के लिए। कर्नाटक संगीत में रागों के समय सिद्धांत का समावेश नहीं है, उसका तर्क है कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा, पहले में है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर ए सही परंतु आर गलत है, या ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है, बीजगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने, दत्तुलम ने या अभिनव गुप्त ने, तो इसका सही आंसर होगा अभिनव गुप्त। दोस्तों जल्द ही मैं 2018 का भी पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जिसके अंदर जो एनटीए जिस 2018 से एनटीए ने एग्ज़ाम लेना चालू कर दिया था, तब उसमें 100 क्वेश्चन होते थे। अब जो वर्तमान में जो पहले 75 और 50 क्वेश्चन होते थे, अभी लेकिन वर्तमान में 100 और 50 क्वेश्चन आते हैं, जो वो आजकल कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होने की वजह से एक साथ देने लग गए। अगला प्रश्न है प्राचीन शास्त्रकारों ने शुद्ध मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है, कि पहले वाले जो शास्त्रकार थे या संगीतज्ञ थे उन्होंने कौन सी श्रुति पर मध्यम को माना है, 13वीं पर, 14वीं पर, 12वीं पर या 15वीं पर, तो इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, इसका सही आंसर है 13वीं श्रुति पर। अगला प्रश्न है चित्रा वीणा के वादन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, था कोण का, गज का, पत्ते का या उंगलियों का,
तो आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर होगा उंगलियों का। दोस्तों प्रश्न ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन अब अगर कर ही रहे हैं तो सभी प्रश्नों को एक साथ ही कर लिया जाता है, कर लेंगे ठीक रहेगा। उस राग जोड़ी को का चयन करें जिनके सभी स्वर समान हों। अहीर भैरव, नट भैरव, शुद्ध सारंग, वृंदावली सारंग, मारवा या पूरिया या बिलास खान तोड़ी या तोड़ी। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर होगा मारवा और पूरिया। स्थाई आरोह है, स्थाई आरोही अवरोही वर्ण के संयोग को कहा जाता है। आभोगी वर्ण, संचारी वर्ण, धातु वर्ण या आरोही अवरोही वर्ण, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा संचारी वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा बिलावथाट के समान है? मेजर स्केल, माइनर स्केल, गंधार स्केल या मध्यम ग्राम स्केल। तो इसका सही आंसर होगा मेजर स्केल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राग काफी थाट से नहीं है? बागेश्वरी, प्रदीप, जयजयवंती या भीमपलासी। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर होगा जयजयवंती, जो कि काफी से ना होकर के आसावरी थाट से है। निम्नलिखित को सही काल क्रम अनुसार चुनिए। संगीत पारिजात, चिंतामणि, संगीत चिंतामणि, भारतीय संगीत वाद्य या वृद्धेशी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो ज़्यादा ना समझाते हुए डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, वृद्धेशी संगीत पारिजात, संगीत चिंतामणि और भारतीय संगीत वाद्य। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? एम आर गौतम, ओ गोस्वामी, स्वामी प्रज्ञानंद या कपिला वात्सायन। तो बताइए दोस्तों इसका कौन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओ गोस्वामी। निम्न में कौन सा स्वर अर्ध दर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? सा, प, म या नी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा म। आलिया फत्तू का संबंध किस घराने से है? किराना, पटियाला, आगरा या जयपुर। बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर है पटियाला घराने से। निर्मल शाह प्रसिद्ध थे सरोद वादक, बीनकार, सारंगी वादक या तबला वादक। बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बीनकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, धाड़ी शब्द का क्या अभिप्राय है? ताल का प्रकार है, संगीत संप्रदाय है, गीति का प्रकार है या लोकगीत है। तो इसका सही आंसर है संगीत संप्रदाय। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, और उसी के साथ ये 2016-17 के उसमें केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरांतर षड्ज मध्यम भाव को इंगित करता है? रे, प, म, स, रेध या गयनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रे और प। रे को स माने तो प अपने आप म हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कूट को पहचानिए। सितार के उद्गम को त्रितंत्री वीणा में देखा जा सकता है, और त्रितंत्री वीणा में 7 तार होते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका? ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही परंतु आर गलत या ए गलत परंतु आर सही। तो इसके अंदर कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए सही परंतु आर गलत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे के अनुसार शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, भातखंडे के अनुसार शुद्ध ऋषभ के आंदोलन संख्या कितनी है? तो
270, 218, 320 या 450? तो इसका सही आंसर होगा 270। राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंधित हैं? आगरा, किराना, पटियाला या ग्वालियर? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। सुरेश बाबू माने का वास्तविक नाम है अब्दुल हक, अब्दुल रहमान या अब्दुल वाहिद या अब्दुल करीम? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहमान। निम्नलिखित में से सही कूट को पहचाने। अभिकथन ए, उस्ताद अमीर खां पटियाला घराने के महान प्रतिनिधि हैं। दूसरा है, अमीर खां ने उस्ताद वाहिद खां से शिक्षण प्राप्त किया है। क्या होगा दोस्तों बताइए? ए गलत परंतु आर सही। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, माफी चाहूँगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। फैयाज खान ने आफताबे मौसीकी की उपाधि किस दरबार से प्राप्त की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर या रामपुर? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मैसूर। प्रबंध गान के अंगों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 5। माफी चाहता हूँ दोस्तों, प्रबंध गान के अंगों की संख्या कितनी है? 6। मतंग ने अपनी पुस्तक वृद्धेशी में कितने ग्रामों का उल्लेख किया है? 7, 16, 32 या 9? तो इसका सही आंसर होगा 7। निम्नलिखित में से बेगम अख्तर के गुरु कौन है? अब्दुल वाहिद का, अब्दुल करीम का, अता हुसैन का या बड़े गुलाम अली का? बताइए दोस्तों। इनके बेगम अख्तर जी के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अता हुसैन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन अभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? औरों में बिहा का रे, आरों में बिहा का ध, दुर्गा में ग और औरों में केदार का ग। इसका सही आंसर होगा औरों में बिहा का रे। चुटकला ख्याल नामक विधा का आविष्कारक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को, मानसिंह तोमर को, सुल्तान हुसैन सरकी को या विश्वविद्यारायण का? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सुल्तान हुसैन सरकी को। मेहर बैंड के संस्थापक किसे माना जाता है, किसे संबंधित है? मेहर बैंड किसे संबंधित है बताइए दोस्तों? वजीर खां, हाफिज अली खां या बलराम पाठक या अलाउद्दीन खां? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खां। भिन्न को चुने, शिखर, ब्रह्मा, प्रतिहार या गणेश? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने पहचान लिया होगा, इसका सही आंसर होगा प्रतिहार, क्योंकि दोस्तों बाकी तीन जो हैं वो ताल के नाम हैं। निम्नलिखित में कौन सी जाति प्रबंध की है? तिस्त्र, खंड, संकीर्ण या दीपनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दीपनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्वरावली किस राग से संबंधित है? रे म प ग म रे सा। ये कौन से थाट का राग हुआ? ये कल्याण थाट, हमीर, कामोद, शुद्ध सारंग या कल्याण? तो इसका सही आंसर होगा श्याम कल्याण का। इनायत हुसैन खां सहसवान वाले किसके शागिर्द थे? अस्सु खां, नथन पीर बख्श और विलायत हुसैन खां या महबूब खां? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हस्सू खां। तो दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो ज़रूर दोस्तों इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।